फास्ट बॉलिंग से बरपा रहे कहर, बैट्समैन जिनकी यॉर्कर के आगे नहीं पा रहे ठहर। उबैद शाह बने पाकिस्तान की नई सनसनी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगा दी विकेटों की झड़ी। रफ्तार ऐसी कि नसीम को भी हो उन पर नाज, अब तो हारिस की जगह उनके सिर सजेगा ताज। हारी हुई बाजी को पलटने में है माहिर, बॉलिंग में बन गए हैं जो नजीर। खराब दौर से गुजर रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उम्मीद की एक नई रोशनी जरूर मिली है। कहते हैं ना, जज्बे में दम हो, हौसलों में उड़ान हो, फिर तो चट्टान भी आ जाए उसे भी चीर कर रास्ता बना दे, मंजिल मिल ही जाती है, बस चाह हो और उसे कर पाने की चाहत। चाहे तूफान ही क्यों ना आए, वो भी उसके आगे झुक जाए। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 17 साल की युवा तूफानी गेंदबाज, जिसने फिर से पाकिस्तान क्रिकेट की उम्मीद जरूर जगा दी होगी। फास्ट बॉलर्स का गढ़ कहलाता था पाकिस्तान, एक से एक वर्ल्ड क्लास तूफानी बॉलर जिस मिट्टी से आए, आज हालात ये है कि शाहीन को छोड़ दे तो मौजूदा वक्त में शायद हो कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, जो अपनी टीम को यकीन के साथ ये कह पाए मैं हूँ ना। नसीम शाह की इंजरी ने जैसे पाक गेंदबाजी की धार ही खत्म कर दी, पाक तिकड़ी मानो बिखर सी गई। हम बात कर रहे हैं शाहीन, नसीम और हारिस की। वैसे हारिस को शाहीन और नसीम की सभी बॉलिंग का फायदा जरूर मिलता था, बावजूद वो पहले भी रन लुटाते थे, आज भी हालात ऐसे ही हैं। हाँ, पहले उन्हें विकेट जरूर मिल जाता था, अब तो वो इसके लिए भी तरस रहे हैं। जाहिर है युवा बॉलर उबैद शाह की बॉलिंग में रफ्तार के साथ ही लाइन लेंथ भी कमाल की है, इसका मुजाहरा उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में पेश भी कर दिया। उबैद ने दिखा दिया कि अभी पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स के आने का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, अब भी ऐसे कई यंगस्टर हैं जो अपनी गेंद से आग उगलने का मादा रखते हैं, और उसकी ताजा मिसाल उबैद खुद हैं। ये वही उबैद शाह हैं जो पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई हैं। गेंदबाजी ऐसी कि खुद नसीम को उन पर नाज हो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने में 17 साल के फास्ट बॉलर उमेश शाह का अहम रोल रहा, जिन्होंने लो स्कोरिंग मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर सनसनी मचा। पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई का मुकाबला था, और आखिरकार उबैद की आग उगलती गेंद ने बांग्लादेश को झुलसा दिया और पाक टीम ने महज 5 रनों से जीत कर सेमीफाइनल में अपना टिकट कटाया। यही नहीं, उबैद का पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस रहा। उबैद शाह ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में अब तक खेले गए 5 मुकाबले में 17 विकेट हासिल किए हैं। इस टूर्नामेंट में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल जबकि एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। उबैद शाह की बेस्ट गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में 44 रन देकर 6 विकेट है। वो अभी तक 264 गेंदें फेंक चुके हैं। 44 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंके हैं। ये आंकड़े काफी है उबैद के टैलेंट को दिखाने के लिए। यही नहीं, उन्हें सटीक यॉर्कर पूरी रफ्तार के साथ फेंकना बखूबी आता है। उबैद शाह ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया। उन्होंने अंडर 19 विश्व कप में आयरलैंड के खिलाफ 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। उबैद अपनी सटीक यॉर्कर से स्टंप उखाड़ने का मादा रखते हैं। उनकी पेस और यॉर्कर की खूब चर्चा है। 5 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के लोअर दीर जिले में जन्मे उबैद शाह के बड़े भाई नसीम शाह भी पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। नसीम एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, जो इस समय चोट की वजह से नेशनल टीम से बाहर हैं। उबैद शाह ने अपने टैलेंट की पहली झलक साल 2020 की चैंपियन बांग्लादेश अंडर 19 टीम के खिलाफ मुकाबले में दिखाई थी। उन्होंने इस मुकाबले में 10 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 44 रन देकर सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके थे और बांग्लादेश की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि नसीम को पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर भी माना जा रहा है, और क्या पता कि वो जल्द ही सीनियर टीम में भी आ जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हारिस रऊफ जैसे बॉलर की जगह उन्हें मिल जाए। यही नहीं, नसीम शाह उबैद शाह के अलावा उनके एक और छोटे भाई हुनैन शाह भी क्रिकेट खेलते हैं। कहा जाए तो पाकिस्तान के जिस खैबर पख्तूनवा से नसीम शाह और उबैद आते हैं, लेकिन वहां से काफी कम खिलाड़ी हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां टैलेंट की कोई कमी है, दरअसल पाकिस्तान में टैलेंट को परखने और उसे निखारने वालों की भारी कमी है।
पाकिस्तान में इलाके को लेकर इस कदर पॉलिटिक्स हावी है कि टैलेंटेड खिलाड़ी बड़े मंच पर आने से महरूम रह जाते हैं। कोई कराची तो कोई लाहौरी हो जाता है, तो कोई सिंध का। तरह की पॉलिटिक्स ने ही कहा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का रूट लेवल से ही बेड़ा गर्क कर रखा है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर लेवल की पॉलिटिक्स अपना बचा कुचा काम कर ही डालती है। कहा जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही इस वक्त बीमार है। और जब ऐसा हो तो जाहिर है ये बड़े लेवल पर साफ ही नजर आता है, और इस वक्त पाक सीनियर टीम इसकी एक बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।